आईपीएल का 13वां सीज़न भारत के बजाय यूएई में खेला जा रहा है। हालांकि यूएई में भी कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम नहीं है। आईपीएल 2020 के लिए बीसीसीआई ने काफ़ी कठोर नियम और कानून बनाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल सीज़न 13 बायोबल में खेला जा रहा है। बायोबल तोड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। आईपीएल 2020 के दौरान बायोबल के नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वाले खिलाड़ियों की टीम पर 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में भी टीम के अंक काटे जा सकते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 13 में हिस्सा लेने वाले सभी 8 फ्रेंचाइजी टीमों को अधिसूचना दी है कि बायबल से अनाधिकृत रूप से बाहर जाने पर खिलाड़ी को 6 दिन के आइसोलेशन में जाना होगा। अगर ऐसा दूसरी बार होता है तो खिलाड़ी पर 1 मैच का निलंबन लगाया जाएगा और तीसरी बार नियम तोड़ने पर उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा। यहां सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि नियम तोड़ने पर टूर्नामेंट से बाहर होने वाले खिलाड़ी की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जा सकेगा। खिलाड़ियों को दैनिक स्वास्थ्य पासपोर्ट पूरा नहीं करने, GPS ट्रैकर नहीं पहनने और निर्धारित COVID-19 जांच समय पर नहीं करवाने के लिए करीब 60,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम परिवार के सदस्यों और टीम के अधिकारियों के लिए भी है। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे टूर्नामेंट में हर 5वें दिन में सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की COVID-19 जांच की जा रही है। टीम के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने में काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत है कि सख्त बायोबल का उल्लंघन नहीं हो। अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी व्यक्ति को बायोबल में खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ से बातचीत करने की अनुमति देती है तो उससे पहले उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार ऐसा करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा और तीसरे उल्लंघन के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप हमारी साइट पर बने रहें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।